इस खबर के प्रायोजक हैं एमएसडी ग्रुप एंड एजुकेशन। एडमिशन ओपन। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर एक युवक ने एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दिया। बता दें कि आज दोपहर करीब 2:30 बजे के बीच बैठौली पुलिया के पास ग्राम बद्दोपुर में नदी के किनारे एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दिया गया। हत्यारे ने लड़की की मां जरीना को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वाली लड़की का नाम अलाविया पुत्री शहाबुद्दीन है, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी। वह मोहल्ला बाज बहादुर थाना कोतवाली की निवासी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम वसीम अहमद पुत्र एजाज अहमद है और वह घोसी जनपद मऊ का रहने वाला है। लोगों के मुताबिक वसीम अलाविया के साथ एक तरफा प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। अलाविया के द्वारा शादी से इनकार करने पर उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को सील मुहर करके मोर्चरी भिजवाया और घायल महिला को एम्बुलेंस के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में तहरीर के मुताबिक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आज शाम को थाना कोतवाली क्षेत्र में सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि एक युवती की हत्या की गई है गला काट के। जिस संबंध में जब पुलिस जब वहाँ पर मौके पर पहुँची तो उसकी जो युवती थी उसकी माँ द्वारा ये बताया गया कि युवती का नाम अलविया था, पुत्री शाहबुद्दीन बाज बहादुर की रहने वाली थी। उसकी माँ जरीना भी उसके साथ थी घटना के समय, और उसका कहना है कि एक वसीम नाम का लड़का जो कि मऊ जिले का रहने वाला है घोसी थाना क्षेत्र का, वो उससे एक तरफा प्यार करता था और ये उसके रिश्ते में कुछ लगता था, जिसको वो उसकी माँ मना करती थी। और आज वो लड़का उसको लड़की को और माँ को दोनों को साथ लेके वहाँ नदी के किनारे मोटरसाइकिल से आया कि चलो वहाँ बैठ के बात करेंगे, और वहाँ पर उसकी माँ के अनुसार जो है गला रेत कर उसकी लड़की की हत्या कर दी, और इसी क्रम में उसके माँ के हाथ में भी उसका चाकू लगा है। ये घटनाक्रम बताया गया। पुलिस द्वारा जो है इसमें अभियुक्त पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे पुलिस लेकर मोर्चरी भेजा गया है और अभियुक्त की तलाशी है, गिरफ्तारी है तो टीमें रवाना कर दी गई हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।